प्रवासी केरल में एंट्री हुई तो देश भर में कोहराम मच गया। दरअसल इसी महीने की 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने वाले आतंकवादी समूह हमास के एक नेता ने केरल के मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट के आयोजित एक रैली में भाग लिया। रैली में नारा लगाया गया कि बुलडोजर हिंदुत्व और यहूदी बात को उखाड़ फेंको। आपको बताते चले कि सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट जमात इस्लामी की यूथ विंग है। इसी रैली को आतंकवादी संगठन हमास के नेता ने संबोधित किया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हमास के नेता खालिद मशाल को लोगों को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है। इस रैली को लेकर राजनीति में कोहराम तो मचा ही है, साथ ही घमासान भी शुरू हो गया है। हमास के हमदर्दों की रैली में मशाल के वर्चुअल भाषण की भारतीय जनता पार्टी के केरल यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने निंदा करते हुए केरल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए रैली के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने एक्स अकाउंट में सुरेंद्रन ने लिखा, मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी कार्यक्रम में हमास नेता खालिद माशेल का आभासी संबोधन चिंताजनक है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की केरल पुलिस कहाँ है? फिलिस्तीन बचाओ रैली की आड़ में आतंकवादियों की तकरीर हो रही है। वो लोग एक आतंकवादी संगठन हमास और उसके संगठन का महिमा मंडन कर रहे हैं। वो हमास के आतंकवादियों को योद्धा बता रहे हैं। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, हमास के आतंकी ने केरल में भाषण दिया और उसने वहां हिंदू को खत्म करने की बात कही। मैं बता दूं उन्हें कि भारत में कई आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, वैसे ही हमास का भी नाश हो जाएगा। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी है। इस बीच केरल बीजेपी ने फिलिस्तीन के समर्थन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रैली में भाग लेने के लिए कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC के सदस्य और लोकसभा सांसद शशि थरूर की आलोचना की और इसे हमास समर्थक कार्यक्रम करार दिया। युद्ध से तबाह फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए IUML के हजारों समर्थकों के कोझिकोड की सड़कों पर उतरने के एक दिन बाद ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन ने कहा, इस संघर्ष का इस्तेमाल राज्य में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोझिकोड में IUML की रैली हमास समर्थक थी और पूरे कार्यक्रम में भारत विरोधी नारे लगाए गए। बीजेपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र राजनयिक के रूप में उनकी पिछली भूमिका को देखते हुए थरूर की रैली में भागीदारी इस मुद्दे पर भारत के रुख के खिलाफ है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। हमास के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गाजा में अब तक करीब 7,000 लोग मारे गए हैं, इनमें 3,000 बच्चे शामिल हैं। वहीं इजराइल में मरने वालों की संख्या 1400 बताई जा रही है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।